मथुरा पुलिस को हाथ लगी बड़ी सफलता, प्रधान की हत्या करके फरार हुए 5 हत्यारे हुए गिरफ्तार। आपको बता दें, यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण की विधानसभा चुनाव के नामांकन में प्रस्तावक रहे पैंगाओं के प्रधान रामवीर की 3 अज्ञात बदमाशों ने शनिवार को उस समय गोली मारकर हत्या कर दी थी जब वो शनिदेव की कोकिला वन में परिक्रमा कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस के खिलाफ ग्रामीणों में खासा आक्रोश पनप गया तो सरकार के खिलाफ भी लोगों में रोष देखने को मिला। लेकिन जब कल सीएम योगी मथुरा आए तो उन्होंने प्रशासन को सख्त कार्यवाही के आदेश देते हुए घटना का जल्द से जल्द खुलासा करने का दबाव बनाया, जिसके बाद पुलिस ने बदमाशों की घेराबंदी शुरू कर दी थी। तो कोसी कला इलाके से मुठभेड़ के बाद 5 हत्यारे जिनमें शार्प शूटर शिवम उर्फ गुंडा मोनू उर्फ अजय रोहतास दान सिंह अमोल को गिरफ्तार किया है, जिसमें से शिवम के पैर में गोली लगने से वह घायल हो गया है। इन सभी पर दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं, जबकि पुलिस में इनके कब्जे में 1 आर्टिगा गाड़ी, 1 मोटरसाइकिल, 1 अपाचे मोटरसाइकिल, 1 पिस्टल, 2 तमंचे सहित कारतूस और अन्य समाज घटना में प्रयुक्त किए गए बरामद किए गए हैं, जिसके बाद पुलिस कप्तान गौरव ग्रोवर ने घटना के बारे में पूरी जानकारी दी है। मथुरा से संवाददाता उमेश भदौरिया की रिपोर्ट। देखिए, जैसा कि आपको अवगत है कि 29 जनवरी 2022 को थाना कोसी कला के कोकिलावन मंदिर की परिक्रमा पर पैगाओं के प्रधान रामवीर सिंह जी की शूटर्स द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तत्काल मौके पर पहुंचकर पुलिस द्वारा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान लिए गए, शूटर्स का हुलिया व जिस रास्ते से वो भागे थे उसके बारे में जानकारी की गई। इसमें SOG स्वाड थाना पुलिस और बाकी कई थानों की पुलिस इसमें लगाई गई। CCTV फुटेज के माध्यम से उनका मूवमेंट क्लियर हुआ, आगे चलकर उनके चेहरे क्लियर हुए, जिनको कि मुखबिरों से शेयर किया गया, जिससे इनकी पहचान काफ़ी हद तक हो गई। साथ ही साथ पैरेलली जो परिवारी जनों द्वारा जानकारी पुलिस को प्राप्त कराई गई, FIR लिखवाई गई, लोकल इंटेलिजेंस और ग्रामीणों से जो जानकारियां प्राप्त हुई उससे साजिशकर्ताओं के भी नाम क्लियर होने लगे। उनकी घटना से पूर्व की और घटना के बाद की गतिविधियों का आकलन किया गया और साथ ही साथ जो शूटर्स जिनकी पहचान हुई थी उनसे मुखबिरों के आधार पर प्राप्त जानकारियां और सर्वलांस के माध्यम से उन दोनों के बीच का कनेक्शन देखा गया, जो कि बिल्कुल सटीक जुड़ा और इस घटना का सफल अनावरण हुआ है, जिसमें कि कुल 5 लोगों की अरेस्टिंग हुई है। इस अरेस्टिंग में 2 अजय और जो है एक और शूटर जो है जो कि मुठभेड़ में अरेस्ट हुआ है, तीसरा शूटर अभी फरार है। इस घटना का मुख्य साजिशकर्ता अमोल नाम का व्यक्ति है, जो कि पैगाओं का ही रहने वाला है और विगत पंचायत चुनाव में प्रधान पक्ष उसका पद का प्रत्याशी था और दूसरे नंबर पर रहा था। उसके 2 साथी दान सिंह और 1 रोहतास वो भी अरेस्ट हुए हैं, जो भी कि इस साजिश में शामिल थे, जिसको कि घटना की जानकारी थी। ये घटना मुख्य रूप से गाँव की विकास के लिए सरकार द्वारा दी गई 21 करोड़ की धनराशि के ऊपर कब्जा करने के लिए व गांव से संबंधित अन्य कारण जो कि अमोल के मन में प्रधान जी के प्रति रंजिश पैदा हुई थी, उसी के चलते प्रधान जी को रास्ते से हटाने के लिए ये घटना प्लान की गई, जिसके लिए उसके द्वारा शूटर्स हायर किए गए और ये घटना कारित कराई गई। इस पूरी घटना को अनावरण करने हेतु मथुरा की स्थानीय पुलिस सर्वलांस SOG स्वाट टीम के साथ साथ अन्य थानों की पुलिस और क्राइम टीम द्वारा अंतक मेहनत करते हुए इसका सफल अनावरण किया गया है, जिसके प्रोत्साहन हेतु ADG